फ्रेंड्स वेलकम टू आर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड, दिस इज देवाशीष अवस्थी। जैसे आपको पता होगा वी आर डीलिंग विद 10 AM डेली सीरीज, तो आज का लेक्चर में 94th है। तो अब हम क्लोज टू 100 लेक्चर्स में आ चुके हैं और आज का जो कट ऑफ होने वाला दैट इज गोइंग टू बी 7 मार्क्स। तो इंपॉर्टेंट सीरीज है, देखते हैं कौन कौन कट ऑफ को क्लियर कर पाता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द सीरीज। देखिए पहला क्वेश्चन है, ऑफन हमने न्यूज में सुना है ये यूनाइटेड नेशन 6+2+1 ग्रुप। व्हाट इज दिस 6+2+1 ग्रुप? ओके, ये किससे रिलेटेड है? आपको तो ये भी पता होना चाहिए 6+2+1 में कौन कौन आता है, बट क्वेश्चन पूछा गया ये जो ग्रुप है यूएन का दैट इज 6+2+1, ये ग्रुप किससे रिलेटेड है जो रिसेंटली न्यूज में रहा है? ऑप्शन है अफगानिस्तान पीस प्रोसेस, ISIS जो सीरिया में उसकी वजह से, नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर एनरिचमेंट या ईरान न्यूक्लियर वेपन्स। तो दीज आर द 4 ऑप्शंस। बहुत लोगों ने इसका आंसर ईरान वाला आंसर लगाने की कोशिश की होगी, तो गलत है आंसर। याद रखिए ईरान न्यूक्लियर वेपन्स के लिए नहीं है, ना ही ISIS इन सीरिया के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज अफगानिस्तान पीस प्रोसेस। तो आपके दिमाग में होगा सर ये 6+2+1 का मतलब क्या है? देखिए एक्चुअली इसमें टोटल अगर देखा है तो 9 कंट्रीज है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए पहली जो 6+2 है, तो 6 जो है वो देख लीजिए कौन कौन सी है। एक है चाइना, देन ईरान, देन पाकिस्तान, देन तजाकिस्तान, देन तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 6 कंट्रीज लिखी हुई है, चाइना, ईरान, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। तो ये जो है ये है 6+2 में कौन कौन है? US है एंड रशिया है। ओके, तो 6+2 और अफगानिस्तान को पीस लाने की बात चल रही है। आपको पता अफगानिस्तान को तालिबान रूल करता था, ठीक है, अभी तो वहां पर प्रॉपर डेमोक्रेसी है, ठीक है। और प्लस वन में कौन है? दैट इज अफगानिस्तान, दैट इज 6+2+1। तो हो सकता है इंडिया इज अ मेंबर ऑफ 6+2+1, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, रिमेंबर। तो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। 2019 में वर्ल्ड बैंक ग्रुप की एक रिपोर्ट आई है, तो पूछा गया है उसमें से किस कंट्री ने टॉप किया, रिमेंबर रैंक टॉप पर है रिगार्डिंग द रेमिटेंस, ठीक है। तो किस कंट्री को सबसे ज्यादा रेमिटेंसेज मिलते हैं? आई थिंक बहुत लोगों को पता होगा व्हाट आर दीज रेमिटेंसेज। अगर आपके कोई फादर या आपके कोई रिलेटिव बाहर रह रहे हो, आपको जो बाहर से पैसे भेज रहे हैं इंडिया में, ओके, तो उनको हम रेमिटेंसेज कहते हैं। बहुत ही लोकल वर्ड मैंने आपको समझाया व्हाट आर रेमिटेंसेज। ओके, तो सबसे ज्यादा रेमिटेंसेज किस कंट्री को आ रहा था अकॉर्डिंग टू 2019 रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक की जो है? चाइना, इंडिया, मेक्सिको या फिलीपींस? दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत लोग आंसर चाइना लगाने की कोशिश कर रहे होंगे, चाइना को बहुत ज्यादा रेमिटेंस मिलता होगा, तो आंसर गलत है। करेक्ट आंसर क्योंकि ऑप्शन नंबर बी दैट इज इंडिया है। मैं आपको टॉप 5 कंट्रीज भी बता देता हूं कि टॉप 5 कंट्रीज 2019 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कौन कौन सी थी। ऑफ कोर्स फर्स्ट नंबर पे इंडिया है, आप देख सकते हैं, सेकंड चाइना है, थर्ड मेक्सिको है, फोर्थ फिलीपींस है। तो आपको याद रखना है टॉप 4 कौन सी कंट्रीज है। हो सकता है एग्जाम में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अरेंज करने को आ जाए और यूएस दे दे ऑप्शन, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि यूएस सेकंड या थर्ड में होगी। रिमेंबर यूएस अगर देखा टॉप 4 में नहीं है। ओके, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पॉलिटिक्स रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, हमारी पॉलिटी की सीरीज जो अपडेटेड सीरीज है उसको जरूर देखें, क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन मैंने दिया है और न्यूज में भी क्वेश्चन चल रहा है। मैंने आपसे पूछा है कि इनमें से कौन से सब्जेक्ट, मैंने आपको 5 सब्जेक्ट मेंशन किए गए हैं और पूछा है जो 7th शेड्यूल है उसमें लिस्ट 2 मतलब स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। Which among the following are the subject of state list? List 2 बोले तो state list है, list 1 बोले तो of course union list, और list 3 बोले तो concurrent list. Okay? तो list 2 का subject है, that is state list का subject है. Options है criminal law, police, public health, water और local government. तो मैं बहुत बार पूछ चुका हूँ लोकल गवर्नमेंट किसका सब्जेक्ट है, सबको पता है। ये भी क्वेश्चन MPPSC में आ चुका है कि लोकल गवर्नमेंट किसका सब्जेक्ट है, इट्स अ स्टेट सब्जेक्ट। तो 5th तो स्टेट सब्जेक्ट है। पब्लिक हेल्थ, अभी कोरोना वायरस चल रहा है तो हेल्थ आपको पता होना चाहिए किसका सब्जेक्ट है। देयर इज अ डिमांड ऑल्सो, मेंस में क्वेश्चन भी आ सकता है कि देयर इज अ डिमांड कि हम हेल्थ को स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में शिफ्ट कर दें। ओके, तो अगर कोई बताना चाहता है तो आप मुझे इस पर आंसर जरूर लिख सकते हैं, क्या हेल्थ को हमें कंकरेंट लिस्ट में ट्रांसफर कर देना चाहिए। ओके, वेदर इट्स अ गुड सॉल्यूशन और नॉट। ओके, तो अभी तो लेकिन ये स्टेट लिस्ट है, तो मतलब 3 और 5 तो स्टेट लिस्ट में, और पुलिस सबको बताए इट्स अ स्टेट लिस्ट। तो 2, 3, 5 तो आप श्योर हो, अगर 2, 3, 5 आप श्योर हो क्रिमिनल लॉ नहीं है रिमेंबर, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, दैट इज 2, 3, 4 एंड 5। वाटर इज ऑल्सो इन द स्टेट लिस्ट, तो इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताया था अगर आपको लिस्ट देखनी हो तो ऑफ कोर्स ये मैं आपको बताता हूँ क्रिमिनल लॉ जो कंकरेंट लिस्ट में, रिमेंबर बाकी जो नीचे के 3 थे तीनों ही स्टेट लिस्ट में थे। ओके, अब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है टोटल, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ,
टोटल कंकरेंट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं एट प्रेजेंट, ओके फिर से रिपीट करो, एट प्रेजेंट कंकरेंट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में फोर्थ, ये ऑलरेडी यूपीएससी पूछ चुका है, इस बॉडी के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा, दैट इज गल्फ कॉपरेशन काउंसिल, ठीक है। तो मैंने पूछा है कि विच इज नॉट द मेंबर ऑफ गल्फ कॉपरेशन काउंसिल, प्लीज इस ग्रुप को जरूर देखिए, ये क्वेश्चन हो सकता है रिपीट हो जाए, यूपीएससी में नहीं तो असिस्टेंट कमांडेंट सीडीएस के जो आप एग्जाम आने वाले उसमें क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, यूपीएससी में और इसके एक लेवल पूछा जा सकता है बढ़ा के, तो इसके बारे में जरूर देख लीजिएगा। ये ऑलरेडी आ चुका है क्वेश्चन, आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, बट ये आप सोच रहे होंगे बहुत ईजी क्वेश्चन है, बट जब एग्जाम में आता है ना तो ऐसे क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाते हैं, क्योंकि आपको गल्फ कॉपरेशन काउंसिल मेंबर्स देखिए, ईरान, सऊदी अरेबिया, ओमान, कुवैत, सारे वहीं के मेंबर दिख रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से इसके मेंबर्स हैं। इससे यहां पर जो करेक्ट आंसर वो है ए, ईरान इज नॉट द मेंबर, ईरान इराक दोनों ही गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के मेंबर नहीं है। मैं बता दूं इसमें टोटल सिक्स मेंबर्स हैं, सिक्स मिडिल ईस्ट के मेंबर्स हैं, वो है कुवैत, सऊदी अरेबिया, बहरीन, कतर एंड यूएई एंड ओमान, दीज आर द सिक्स मेंबर्स ऑफ गल्फ कॉपरेशन काउंसिल। कमेंट बॉक्स में बताइए इसका हेडक्वार्टर कहां है, और कमेंट बॉक्स में बताइए किस ईयर में फॉर्म हुआ था, दोनों चीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर मेंशन करिए, ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, और एक इंपॉर्टेंट स्कीम मैंने पूछ ली है, दैट इज समित्व, याद रखिएगा समित्व स्कीम जो पूछी गई है, ये स्कीम अभी न्यूज में है, ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी के फेवरेट क्वेश्चन रहे, रिसेंटली इट इज इन न्यूज, दिस इज रिलेटेड टू व्हाट, ओके आपके सामने चार ऑप्शंस दिए हैं, आप चारों ऑप्शन सीड कर सकते हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड है, वर्क बेस्ड अकाउंटिंग पंचायती राज, ओके रूरल इनहैबिटेड लैंड्स को ड्रोन के थ्रू या लेटेस्ट सर्वे मेथड यूज किया जाएगा मैपिंग करने के लिए, या फाइनेंशियल मैनेजमेंट मनरेगा एक्टिविटीज के लिए फैसिलिटेट किया जाएगा, तो ये स्कीम किससे रिलेटेड है, दिस इज इंपॉर्टेंट। पहले तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए नेशनल पंचायती राज डे हम किस डेट में सेलिब्रेट करते हैं, ऑप्शन है 23 अप्रैल, 24 अप्रैल या 25 अप्रैल, तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे नेशनल पंचायती राज डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, ओके। अब इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो मैं आपको बता देता हूं, आपने सोच लिया होगा, अगर पता होगा, नहीं पता है नोट डाउन करिए, ऑप्शन नंबर सी, याद रखिए यहां पे ड्रोन्स के थ्रू और लेटेस्ट सर्वे मेथड के थ्रू जो लैंड्स है, याद रखिए इनहैबिटेड लैंड जहां पे लोग नहीं रह रहे हैं, वो रूरल इनहैबिटेड लैंड्स को मैपिंग की जाएगी, जिसमें आपको पता आपकी प्रॉपर्टी कहां कहां पर है, फॉर एग्जांपल आपको उससे लोन भी मिल पाएगा फ्यूचर में, क्योंकि आपको प्रॉपर अपनी प्रॉपर्टी की एक मैपिंग हो जाएगी, तो दिस इज द स्कीम दैट इज समित्व स्कीम, ओके करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स डायरेक्ट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, एनवायरनमेंट पढ़ा होगा तो ये तो क्वेश्चन इजी बन जाएगा, दैट इज माइक प्रोग्राम, ये जो माइक प्रोग्राम है ठीक है, पूछा न्यूज में है, ऑफ कोर्स पूछने का तरीका यही है, ये किससे रिलेटेड है, ऑप्शन पहला है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, दूसरा है एलिफेंट्स की इलीगल किलिंग को मॉनिटर करने से रिलेटेड है, सोशल मीडिया के डाटा प्राइवेसी से रिलेटेड है, या रेजिंग अवेयरनेस अमंग स्टूडेंट व्हाट इट्स लाइक टू बी लिव एंड डिसेबिलिटी। तो देखिए मैंने एनवायरनमेंट बोल दिया है तो शायद कुछ लोग करेक्ट आंसर मार्क भी कर लिया होगा, कुछ लोग ऑप्शन नंबर ए लगा दिया होगा क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, बट ये आंसर गलत है, और जिसने एनवायरनमेंट थोड़ी भी पढ़ी होगी उसने करेक्ट आंसर बी लगाया होगा। यस माइक का फुल फॉर्म ही आप देख सकते हैं, मॉनिटर इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स, तो कभी दिमाग लगा लिए कभी हो सकता है उसका फुल फॉर्म यहां पर हो रहा हो, ठीक है आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है ये माइक प्रोग्राम जो है ऑफ कोर्स इलीगल किलिंग्स ऑफ एलिफेंट्स जो है उसको मॉनिटर करता है, ये किस ईयर में स्टार्ट हुआ था, और मुझे एटलीस्ट इंडिया में आप तीन एलिफेंट रिजर्व, नॉट टाइगर रिजर्व, तीन एलिफेंट रिजर्व के नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, नहीं पता है तो प्लीज फाइंड आउट करिए गूगल में, और उनके स्टेट और उनके नाम जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, क्वेश्चन आ सकता है इस बार एलिफेंट रिजर्व से, क्योंकि आपको ही पता है एलिफेंट न्यूज में था केरल के इंसिडेंट की वजह से, तो एलिफेंट रिजर्व पे क्वेश्चन बनाया जा सकता है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर एलिफेंट रिजर्व जो है एक बार देख लीजिए कम है, और किन प्लेसेस में हो सकता है मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आ जाए, मैं फिर से रिपीट करूं जरूर देखिएगा एलिफेंट रिजर्व, ओके चलिए तो यहां पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ में है मधुबन गाजर, ओके एक मधुबन गाजर है पूछा गया न्यूज में थी, व्हाट इज दिस मधुबन गाजर, गाजर सुनकर आपके दिमाग में कैरेट आ रहा होगा, ठीक है ऑफ कोर्स आ सकता है, ऑप्शन है कि ये एक वैरायटी ऑफ सिल्क है बिहार की, दूसरा है ट्राइबल फोल्क डांस है गुजरात का, बायो फोर्टिफाइड कैरेट वैरायटी है विथ हाई आयरन कंटेंट, या एक पेंटिंग है विच हैज बीन ट्रेडिशनली डन बाय द वुमेन ऑफ द मिताली रीजन ऑफ बिहार, दीज आर द फोर ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू मधुबन गाजर। अब मधुबन सुन के मधुबन पेंटिंग दिमाग
दिमाग में आ रहा होगा क्योंकि मधुबन पेंटिंग्स भी बहुत फेमस है जो कि बिहार में है। तो बिहार अगर आप सोचेंगे तो देखिए आपके सामने दो ऑप्शन आ जाते हैं, या सिल्क हो सकती है या पेंटिंग हो सकती है। अब गाजर अगर सोचेंगे सर वो तो कैरेट होता है, तो कुछ लोग ऑप्शन नंबर सी भी सोच रहे होंगे। तो देखिए क्वेश्चन ही इस तरह, ऑप्शन ही इस तरह दिया गया है, कुछ मधुबन से सोचे तो ए और डी में कंफ्यूज रहे, और डी ज्यादा सोचे क्योंकि पेंटिंग लग रही है, और जो गाजर सोचे वो ऑप्शन नंबर सी में जाए। तो मैं इसका करेक्ट आंसर बता देता हूं, कोई बात नहीं अगर आपको नहीं पता, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ये बायोफोर्टिफाइड कैरेटी है जो हाई आयरन कंटेंट में रिच है। ओके, अब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ये मधुबन गाजर न्यूज में कैसे आया, किस स्टेट में मधुबन गाजर की न्यूज में थी। ऑप्शंस दे रहा हूं मैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या राजस्थान, मधुबन गाजर किस स्टेट से न्यूज में आया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बिहार से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो मैंने जो चार ऑप्शंस दिए उसमें से आपको करेक्ट आंसर मेंशन करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं, डायरेक्ट है, क्वेश्चन पूछा गया रिसेंटली, याद रखिएगा, पब्लिश की गई है स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स नर्सिंग रिपोर्ट 2020। कोरोना वायरस चल रहा है, रिपोर्ट्स सॉरी हेल्थ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो आती है, तो वर्ल्ड नर्सिंग रिपोर्ट 2020 किसने पब्लिश की है, दैट इज ICN ने, नर्सिंग नाउ कैंपेन ने, WHO ने, या ऑल ऑफ द अबव ने। तो कुछ लोग सोच रहे होंगे नर्सिंग है तो नर्सिंग वाला आंसर लगा रहे होंगे, कुछ लोग डी देख रहे होंगे सर ऑल ऑफ द अबव लिखा हुआ है तो ऑल ऑफ द अबव मार्क कर रहे होंगे। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो याद रखिए WHO इस रिपोर्ट को पब्लिश करता है। ओके, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, 9th क्वेश्चन में आते हैं, ये 9th क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा न्यूज में था। ठीक है, 9th क्वेश्चन आपको बताओ, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, कोरोना वायरस के टाइम पर यह एक्ट का नाम बार बार लिया जा रहा था, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। पहला स्टेटमेंट है, सही स्टेटमेंट बताने हैं कि प्रेसिडेंट चेयरमैन होता है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का। सेकंड है कि अगर यह एक्ट लग जाता है तो याद रखिएगा इसके पास ओवरराइडिंग पावर होते हैं एनी अदर लॉस, अगर कोई और लॉ है उससे ज्यादा इसके पास पावर होता है, ये ओवरराइड करता है अदर लॉस को। और ये जो सब्जेक्ट है डिजास्टर मैनेजमेंट, ये कंकरेंट लिस्ट में मेंशन है 7th शेड्यूल में। ये 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको करेक्ट बताना है। ठीक है, तो बहुत लोगों ने अगर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट पढ़ा होगा थोड़ा बहुत भी, तो पहला आंसर तो गलत कर दिया हो, क्योंकि सबको पता है प्राइम मिनिस्टर इज द हेड नॉट द प्रेसिडेंट। तो अगर फर्स्ट गलत हो जाता है तो आप दो ऑप्शन में आ जाते हैं, मतलब सेकेंड ऑप्शन जो है वो तो करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन लेकिन अभी भी कंफ्यूजन क्लियर नहीं हुआ है। डिजास्टर मैनेजमेंट किस शेड्यूल के अंदर आता है, शेड्यूल 7th में किस लिस्ट के अंदर मेंशन है, ये बहुत ही कम लोगों को पता होता है, बट आई थिंक जिन्होंने थोड़ी सी ज्यादा तैयारी की है उनको पता होगा। डिजास्टर मैनेजमेंट बता दूं किसी भी लिस्ट में नहीं आता, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट। डिजास्टर मैनेजमेंट ना लिस्ट यूनियन लिस्ट में, ना ही स्टेट में, ना ही कंकरेंट में, रिमेंबर। तो थर्ड स्टेटमेंट भी गलत है, किसी लिस्ट में मेंशन नहीं है। हम आंसर राइटिंग में जरूर बताते हैं कि इसको पर्टिकुलर किसी लिस्ट में तो डाल देना चाहिए जिससे ये हो कि पर्टिकुलरली उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी जा सके, बट मैक्सिमम डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड सब्जेक्ट्स जो हैं वो स्टेट लिस्ट में है, रिमेंबर, बट डिजास्टर मैनेजमेंट किसी लिस्ट में नहीं है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज 2 ओनली, रिमेंबर, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का, मॉडर्न हिस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन अगर नहीं बन रहे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की पूरी अपडेटेड सीरीज ऑलरेडी आ चुकी है, वो सीरीज देख सकते हैं वेबसाइट में, हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है। ठीक है, ये देख सकते हैं यहाँ पर 6 मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट इशूज लिखे हुए हैं, गांधी इरविन पैक्ट, पूना पैक्ट, कम्युनल अवार्ड, अगस्त ऑफर, नेहरू रिपोर्ट, कैबिनेट मिशन। अब ये तो बहुत इजी क्वेश्चन मैंने पूछ लिया है, जिसने मॉडर्न हिस्ट्री बेसिक पढ़ी होगी तुरंत आंसर लगाना चालू कर दिया होगा। इन सब के ईयर्स भी आपको बताओगे किस किस ईयर्स में ये डेवलपमेंट्स हुई हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स आपको मुझे क्या करना है, ये जितनी भी मैंने इश्यूज लिखे हैं इनके ईयर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि गांधी इरविन पैक्ट किस ईयर में साइन हुआ, पूना पैक्ट कब साइन हुआ, कम्युनल अवार्ड कब आया, ये सब आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए किस किस ईयर में आया। ठीक है, डेट नहीं भी मेंशन करेगा चलेगा, ईयर जरूर मेंशन करिए। ओके, इसका करेक्ट आंसर बता देता हूं, यहां पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 513246। ठीक है, अगर जिसने भी इसके ईयर लिखेगा वो तो ऑलरेडी वो समझ जाएगा इसका करेक्ट आंसर बी क्यों मैंने बोला है। कुछ होमवर्क भी आपको देना चाहिए, आपको पता करना चाहिए मॉडर्न हिस्ट्री में ये इवेंट्स कब हुए हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद रखिए, नेहरू रिपोर्ट में स्टार्ट कर देता हूं, 1928 से स्टार्ट होती है। ठीक है, और जो कैबिनेट मिशन जो सबसे लास्ट है वो है 1946 में, तो मैंने स्टार्टिंग और एंड बता दिया, दैट इज 5 और 6, बाकी फिलअप आपको करना है। ओके, तो यहां पर हमारी जो सीरीज है वो कंप्लीट हो रही है। आई होप बहुत सारे लोगों के 7 मार्क्स आए हों,
होंगे, जिनके नहीं आए होंगे, स्टिल दे हैव गॉट लॉट्स ऑफ नॉलेज थ्रू दिस सीरीज. आपको अगर पीडीएफ चाहिए इस लेक्चर की, याद रखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और लेक्चर्स की पीडीएफ आपको मिल सकती है. नंबर आपको स्क्रीन में भी शो हो रहा है. रिमेंबर, जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे हैं उनको कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिए. जो भी नए लोग हैं आप हमारे प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं. हमें करंट अफेयर्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, अदर सब्जेक्ट्स, एनवायरमेंट, पॉलिटी, हिस्ट्री, सबकी क्लासेस अपने यूट्यूब चैनल में डाल रखी है, आप उनको भी विजिट कर सकते हैं. और अगर आपको पेड कोर्स चाहिए, अगर आपको स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करनी है, पूरे डिटेल में प्रिपरेशन करनी है, तो हमारी वेबसाइट को जरूर विजिट करें. वहां पर आपको डिटेल कोर्स के बारे में भी डिटेल्स मिल सकती हैं. स्टिल अगर आपको डिटेल कोर्स की डिटेल लेनी है तो वो भी आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं. ओके, जो मैंने क्वेश्चन पूछा है जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें. प्लीज अगर आपको इनिशिएटिव पसंद आ रहा है लाइक जरूर करके जाएं. और याद रखिएगा, जो लोग नए लोग हैं वो जरूर, अगर आपको कोई भी डाउट क्वेरीज है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं. थैंक यू.